दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि लॉकडाउन की अवधि को और आगे बढ़ा दिया गया है, यानी कि जैसा अभी तक चल रहा था सेम वैसे ही आगे भी चलेगा। क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा इसकी भी गाइडलाइन कल तक जारी कर दी जाएगी। अब 3 मई तक लॉकडाउन चलेगा। ऐसे में BTC स्टूडेंट के लिए बड़ी ही चिंता का विषय है, क्योंकि BTC फर्स्ट सेमेस्टर और BTC थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं काफ़ी लेट हो रही हैं। ऐसे में वह स्टूडेंट ना तो जिस सेमेस्टर में हैं उसकी ही तैयारी कर पा रहे हैं और ना ही अगले सेमेस्टर की। तो ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह आपकी ही नहीं पूरे विश्व की चिंता का विषय है, क्योंकि ऐसे में हर किसी का कोई ना कोई काम गड़बड़ हो रहा है, यानी कि कोई भी कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है। लेकिन फिर भी हर कोई अपनी अपनी व्यवस्था के हिसाब से अपने अपने कार्य में लगा हुआ है। ऐसा ही आपको भी करना है। मैंने पहले भी आपको यही बताया था और फिर एक बार यही बता रहा हूँ कि आप लोग अगले सेमेस्टर की तैयारी में लग जाइए और बीच बीच में जिस सेमेस्टर में हैं उसकी भी तैयारी करते रहिए। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि हम आगे पढ़ेंगे तो पिछला भूल जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ इस समय ना पढ़िए जो पिछले कोर्स को कमज़ोर करे, बल्कि ऐसी विषय पढ़िए जिससे आपका बेस मजबूत हो और आगे और पीछे का साथ साथ तैयार होता रहे। तो ऐसे में आप लोगों के मन में एक प्रश्न और आएगा कि ऐसी विषय कौन सी है। तो सुनिए, इस समय सभी विषय का व्याकरण यानी कि ग्रामर पढ़िए, क्योंकि ग्रामर कभी बदलता नहीं है, यानी कि हर क्लास में वही रहता है, सिर्फ उसका विस्तार होता चला जाता है। तो ऐसे में ग्रामर का नॉलेज लेंगे तो बेहतर रहेगा। तो ऐसे में आपका अगला और पिछला दोनों ही सेमेस्टर मजबूत होंगे और उस विषय में आपकी पकड़ भी अच्छी हो जाएगी। वहीं दूसरे नंबर पे बात करेंगे कि सभी लोग गणित पर फोकस ज़्यादा करिए, यानी कि गणित भी एक ऐसी विषय है कि आप अगले सेमेस्टर का पढ़ेंगे तो पीछे का भूलेगा नहीं, बल्कि और मजबूत होगा, क्योंकि गणित के विषय में सभी सेमेस्टर में काफ़ी चैप्टर कॉमन होते हैं। ये जरूर है कि जैसे जैसे आप सेमेस्टर आगे बढ़ेंगे सवालों का लेवल ऊंचा कर दिया जाता है, यानी कि सवाल धीरे धीरे कठिन होते जाते हैं। तो जब आप सरल सवाल पढ़ चुके हो अब अगले सेमेस्टर में उससे कठिन पढ़ोगे तो सरल वाले तो अपने आप याद रहेंगे, यानी कि वो तो अपने आप ही तैयार होते चले जाएंगे और याद ही नहीं रहेंगे, बल्कि और कहीं पर कठिनाई रही होगी तो वो भी दूर हो जाएगी। तो आप सभी को हिंदी अंग्रेजी और संस्कृत का ग्रामर पोर्शन पढ़ना है और गणित विषय पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है, और इस लॉकडाउन का पूरा फायदा हमें उठाना है, क्योंकि जो समय बीत जाता है वह कभी वापस नहीं आता है। इसलिए समय से पहले अपने आप को तैयार रखें और जब भी परीक्षा की डेट की घोषणा होगी उस समय 10 दिन कठिन परिश्रम करके अपने प्रेजेंट सेमेस्टर की तैयारी कर लेंगे और इस समय नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि किसी के बहकावे में ना आए, फेक न्यूज़ से बचें। इस समय कोई भी इस बात को नहीं बता सकता है कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि ये सब अब कोरोना वायरस के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इस तरह की किसी भी न्यूज़ पर ध्यान ना दें, बल्कि अपनी पढ़ाई जारी रखें, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं तभी होंगी जब इस कोरोना वायरस पर भारत की जीत होगी। तो सभी लोग माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का फॉलो करें और कोरोना से भारत को जीत दिलाने में सहायता करें। तो पढ़ाई भी आप लोग करते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखें, खुद सचेत रहें और एक शिक्षित और जागरूक नागरिक होने के नाते दूसरों को भी सचेत रखें। लास्ट में एक बार फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि परीक्षा का अब कोई भी अनुमान लगाना ठीक नहीं है कि परीक्षा कब होगी। फिलहाल 15 मई तक तो अब असंभव ही है, इसलिए परीक्षा संबंधी न्यूज़ से ज़्यादा अब पढ़ाई पर फोकस करिए। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इस समय क्या पढ़ें, तो वो मैं आप लोगों को ऊपर बता ही चुका हूँ अपने वीडियो में। तो यहीं पर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।